हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 15 मिनट चार्ट में देखा था। यहाँ से CO3 जो शुरू हुआ है वहाँ पे 1, 2 और 3 कंप्लीट हो चुके थे, और यहाँ से अगर 4 कंप्लीट हो चुका है तो 5th का प्रोजेक्शन हमने निकाला था 38 to 61%, जो कि आ रहा था 16817 से लेके 16594। इस रेंज में जो है वेव 5 का डिक्लाइन हो सकता है, और वेव 5 किसका है? CO3 का वेव 5, राइट। अभी यहाँ से अगर बाउंस करता है तो हमने बात की थी इसके ऊपर नया हाई बनाता है तो 3 और 4 जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, अदरवाइज यहाँ से वेव 5 शुरू हुआ है और इस रेंज में पूरा हो सकता है। निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग तो रहा, लेकिन यहाँ पे साइडवेज होने के बाद यहाँ पे ये 38% अभी भी अचीव नहीं हुआ है। 16820 का निफ्टी में लो लगाया है, राइट। तो अभी भी ये 38% मिनिमम प्रोजेक्शन वेव 5 का हम देख रहे थे कल के वीडियो में, वो अभी भी अचीव नहीं हुआ है। अभी आज के वीडियो में फिर से अगर हम निफ्टी का 3 ओवर चार्ट देखें तो यहाँ पे ओवरऑल हमें लग रहा है ये 1, 2 और यहाँ पे 3 कंप्लीट हो चुका है। वेव 4 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालते हैं तो 23 और 38% की रेंज को ये ऑलरेडी अब ब्रेक कर चुका है, मतलब यहाँ पे ये फर्स्ट साइन हमें मिल चुका है कि निफ्टी ऑलरेडी एक नेगेटिव जोन में आ चुका है। 38% जो है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट था डाउन साइड के लिए, उसको ये निफ्टी ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया है, मतलब यहाँ पे हमें एक फर्स्ट नेगेटिव पॉइंट निफ्टी में मिल चुका है। तो क्या अब निफ्टी यहाँ से नीचे की तरफ कंटिन्यू डिक्लाइन कर सकता है कि नहीं कर सकता, राइट। तो उसके लिए इमीडिएट मूव के लिए हमें यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर फोकस करना होगा कि अगर निफ्टी बाउंस भी करता है तो अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो सकता है, किसके ऊपर निफ्टी अब पॉजिटिव बन सकता है, राइट। तो वो सब जानने के लिए यहाँ से जो डिक्लाइन है उस पर हमें फोकस करना होगा। उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम, ये निफ्टी का 30 मिनट चार्ट है, यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ से जो डिक्लाइन है ये A/1 और ये 3 वेव मूव B/2 कंप्लीट हो चुका है। C/3 की अगर हम बात करें तो नॉर्मल प्रोजेक्शन ऑलरेडी अचीव कर चुका है और 161% भी आज अचीव हो चुका है, तो मतलब कि ये C/3 जो है अब एक्सटेंडेड है, 161% ऑलरेडी ये अचीव कर चुका है। अभी ये C/3 का अगर हम रिट्रेसमेंट निकालें तो 23 और 38% की रेंज आ रही है 17,080 से लेके 17,240। ये अब इमीडिएट रेजिस्टेंस रेंज है निफ्टी के लिए। जब तक इसको ब्रेक नहीं करता 38%, 17,240 के ऊपर जब तक निफ्टी ट्रेड नहीं करता तब तक निफ्टी को हम नेगेटिव ही मानेंगे, क्योंकि ये 38% जो है डाउन साइड ब्रेक इवन पॉइंट ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, इसके नीचे क्लोजिंग भी दिया है, तो अब ये अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा 17,240 अभी के लिए। इसके ऊपर ट्रेड करता है तो निफ्टी पॉजिटिव बन सकता है, और ये जो 38% 23% जो है ये जो भी निफ्टी नया लो यहाँ से इसके नीचे बनाएगा तो ये रिट्रेसमेंट उसके हिसाब से चेंज भी हो जाएंगे, राइट, जो हमें यहाँ से निकालने हैं। अभी फोकस हमें C/3 पे करना है कि क्या C/3 यहाँ पे पूरा हो चुका है या अभी भी वो भी बाकी है, राइट। तो C/3 17,919 से जो शुरू हुआ है उसको अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो वहाँ पे हमें क्या लग रहा है कि C/3 के अंदर ये 1 इरेगुलर 2 कंप्लीट हुआ है। 3 और 4 के बाद 5th का अगर हम प्रोजेक्शन निकाले तो 38 to 61% की रेंज अभी भी अचीव नहीं हुई है। जैसा हमने स्टार्टिंग में बात किया था 16820 का लो लगाया है और मिनिमम प्रोजेक्शन आ रहा है 16817, तो अभी भी इस रेंज में एक डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है, और वहाँ पे ये वेव 5 C/3 का वेव 5 इस रेंज में पूरा हो सकता है। तो जब भी इस रेंज में हमें डिक्लाइन देखने को मिलेगा तब ये रिट्रेसमेंट रेंज जो हमने यहाँ से निकाली है वो चेंज हो जाएगी, वो हमें नए लो से निकालनी होगी, फिर वो हमारा अपसाइड ब्रेक इवन पॉइंट बन जाएगा जो हमने नया लो से जो भी 38% निकलेगा वो। अभी ये रेंज तो बहुत बड़ी है, वहाँ पे इस रेंज में कहाँ तक ये वेव 5 पूरा कर सकता है, तो उसके लिए भी यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है C/3 का वेव 5 उसको भी अगर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम में देखें तो ये जो है निफ्टी का 5 मिनट चार्ट है, यहाँ से जो वेव 5 शुरू हुआ है वहाँ पे 1, 2, 3 और 4 कंप्लीट हो चुका है, और यहाँ से अगर हम 5th का प्रोजेक्शन निकालें तो 61% मिनिमम प्रोजेक्शन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वेव 3 जो है वो एक्सटेंडेड नहीं है, 161% से कम प्रोजेक्ट हुआ है, और ये हमें एक एंडिंग डायगोनल पैटर्न लग रही है। तो इस रेंज में 61 to 100% मैक्सिमम लेवल है वेव 5 के लिए, तो 16820 से लेके 16686 इस रेंज में जो है हमें वेव 5 देखने को मिल सकता है। इस रेंज में पूरा होने के बाद फिर यहाँ से हमें रिट्रेसमेंट जो है चेंज करना होगा जो हमने C/3 का निकाला है, राइट।
अभी के लिए इस रेंज में जो है वेव 5 पूरा कर सकता है और वहां से हमें फिर से एक रिट्रेसमेंट या तो फिर एक नया इंपल्स देखने को मिल सकता है। और वो हमें कहाँ से रेंज निकालनी होगी, सी और थ्री जहाँ से शुरू हुआ है जो हमने आगे के चार्ट में देखा, वहां से रिट्रेसमेंट नए लो का निकालना होगा, राइट। तो उस रेंज में फिर हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। ओवरऑल वेव 5 की रेंज ये है और ये वेव 5 के वेव 5 की रेंज है, राइट। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तो जो है ये वेव 5 जो है यहाँ से शुरू हुआ, ये इसका मैक्सिमम लेवल है, तो इसी रेंज में हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है और वहां से फिर से हमें एक करेक्टिव या इंपल्सिव बाउंस देखने को मिल सकता है 23-38% की रेंज में, जो हम सी और थ्री का निकालेंगे। तो निफ्टी में आज के वीडियो में बस इतना ही।